नमस्कार, संदीपा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ चने का साग और मक्के की घी में सेकी रोटी। तो इसके लिए मैंने ली हूँ ये चने का साग। तो ये देखो इस टाइप का है। अब इसमें जो सामने की पत्ती होती है तो उसको हमको सामने का जो है पत्ती तोड़ लेना है, जो एकदम कोमल होती है उस पत्तियों को ही हमको तोड़ना है। तो इस टाइप की हमने तोड़ ली है देखो। और इसको अब मैं दो तीन पानी से धो ली हूँ। अब हमने कढ़ाई में पानी गर्म करने रख दी है और ये लहसुन टमाटर अदरक और मिर्ची ले ली हूँ। अब ये सब्जी को हमको पानी में डाल देना है और अच्छे से उबले पानी में डालने के बाद इसमें हम लहसुन की कली 10-12 और उसके बाद हरी मिर्च डाल देंगे और ये अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है ये डाल देंगे अच्छे छील के धोकर, और एक टमाटर की थोड़ी मोटी पीस करके। अब इसको हम ढक के रख देंगे। अब हम बनाएंगे मक्के की रोटी। उसके लिए पानी उबल गया है, 2 कटोरी मैंने मक्के का आटा ली हूँ, स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब ये उबला पानी हम मक्के के आटे में डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे, जिसमें हमको 2 कटोरी के लिए 1 कटोरी का हिसाब से पानी डालना है और अच्छे से गरम गरम पानी में ही इसको मिलाना है। ये देखो ये बहुत गर्म होता है। अब हल्का सा ये पानी के ठंडे पानी के छींटे लगाकर इसका अच्छे से डो तैयार करना है, अच्छे से इसको गूंथ लेना है। ये देखो ये तैयार हो गया। इसको 10 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। अब हमारा जो साग है वो भी रेडी हो गया है, टमाटर भी पक गए हैं। अब इसको हम गैस बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब एक मिक्सर के जार में इसको हम पीस लेंगे। थोड़ा सा सब्जी का जो पानी था उसी को डाल लेंगे, 1/2 कप, और इस टाइप की प्यूरी तैयार कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है सब्जी। अब हमने कढ़ाई रख दी है, तेल गरम हो गया है। 1 चम्मच राई और 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और उसके बाद लहसुन की 10-12 कलियाँ पीस करके डाल देंगे। हल्की सी गोल्डन होने के बाद हम इसमें मिर्ची डाल देंगे। मिर्ची को भी थोड़ा भून लेंगे तेल में। अब ये तैयार हो गई हमारी फ्राई। अब इसमें हम ये पेस्ट डाल देंगे। इसको हम ढक के 5 मिनट पकाएंगे, अच्छे से मिला लेते हैं और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अब इसको ढकने के बाद ये हमारी सब्जी हो गई है तैयार। ये देखो कितनी प्यारी दिख रही है। अब ये जो मक्के की रोटी है इसको बना लेते हैं। एकदम छोटे छोटे इसकी लोई बना ली है। अब छोटी छोटी रोटी बनाना है जिससे घर वालों को खिलाने में बहुत मज़ा आएगा। और गर्मा गर्म इसको तवे पर सेकना है सभी छोटी छोटी रोटियों को, और साइड में निकाल के रखना है। जैसी रोटी बनाते उसी टाइप से बेलना है। अब एक तवे पे 1 चम्मच शुद्ध घी डालना है और उस पर ये छोटी छोटी रोटियां जो है ये अच्छे से घी में परतना है, सेकना है और गर्मा गर्म परोसना है घर वालों को। खाकर तो एकदम मज़ा ही आ जाएगा। आप ज़रूर घर पे बनाइए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको अच्छी लगती होगी मेरी रेसिपी तो कमेंट करें। रेसिपी देखने के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब करें। तो ये तैयार हो गई हमारी चने की साग और मक्के की रोटी।